बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में या पिछले उसमें लेक्चर में एमीटर के बारे में डिस्कस किया था कि एमीटर हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, गैल्वेनोमीटर का। सेम वैसे ही हमारे पास एक और मॉडिफाइड फॉर्म होता है, दैट इज वोल्ट मीटर। अच्छा भाई, वोल्ट मीटर का जो हमारा मेजर पर्पज़ है वो क्या होता है, इसका जो मेन काम होता है दैट इज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मेन काम क्या होता है, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर करना किसका काम होता है, वोल्ट मीटर का। हमने ये चीज़ देखी थी, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है इसका मेजर पर्पस डिटेक्शन है, या स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट या वोल्टेज को ये क्या करता है, मेजर करता है। तो क्या अब सारी जिंदगी हमारे पास छोटी वैल्यू मेजर करने के लिए आएंगी, नहीं, कभी ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। तो अब अगर ज़्यादा वैल्यू आएगी हमें वोल्ट मीटर यूज़ करना है। वोल्ट मीटर वंस अगेन कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और साथ में थोड़ी सी इसके अंदर क्या है, मॉडिफिकेशन। अगर आपने पीछे एमीटर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा वो वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि मैंने सारा का सारा मेन कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किया हुआ है। हमारे पास अब मिसाल के तौर पे ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो है लेट्स से मेजर कर सकता है 1 वोल्ट। मिसाल के तौर पर गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है, 1 वोल्ट ये मेजर कर सकता है। अगर 1 वोल्ट से कम होता है तो परफेक्ट रीडिंग देगा, 1 वोल्ट तक भी कोई टेंशन नहीं है। अगर 1 वोल्ट से ऊपर आता है तब मसला ख़राब होगा। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मुझे 10 वोल्ट्स को मेजर करना है, मुझे कितने वोल्टेज को मेजर करना है, मुझे 10 वोल्ट्स को क्या करना है, मेजर करना है। तो आप ये चाहते हो कि 10 वोल्ट को मेजर करना है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसा तभी मुमकिन है जब 1 वोल्ट तो आपके गैल्वेनोमीटर के पास जाए और बाकी कहीं और जाए। यानी कि हमने पीछे एमीटर में यही चीज़ देखी थी कि अगर पीछे से ज़्यादा करंट आ रहा है तो आपने गैल्वेनोमीटर को बचाना था, तो आपने कहा गैल्वेनोमीटर में से सारा करंट नहीं गुजरना चाहिए, तो आपने बोला करंट को तोड़ो, फौरन करंट को तकसीम करो। सेम यहाँ पर है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट को मेजर करना है। गैल्वेनोमीटर का लिमिटेशन क्या है, 1 वोल्ट इसका फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है, या 1 वोल्ट इसका वो वोल्टेज है जो इसकी रेंज डिफाइन कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो आपने क्या कहा, आपने कहा वोल्टेज को तकसीम करो। अब तकसीम करने के लिए क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन, क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। जो रेजिस्टेंस या कनेक्ट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX से, और ये हमारे पास कहलाता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। क्या नाम देते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। अब फायदा क्या है, फायदा ये है भाई कि आपके पास ये चेक करो सर्किट सीरीज के अंदर है, पैरेलल में, सीरीज में, सीरीज में सेम क्या होता है, करंट। तो तकसीम क्या होगा, वोल्टेज। पीछे एमीटर वाला सर्किट देखो क्या था, पैरेलल में था, सीरीज में पैरेलल में था, तो सेम क्या था, वोल्टेज। तो तकसीम क्या हो रहा था, करंट। यहां पे मेरे पास करंट सेम रहेगा और चेंज क्या होगा, वोल्टेज। इसका मतलब वोल्टेज यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इसलिए हम लोग सीरीज सर्किट्स को VDR सर्किट्स का नाम भी देते हैं, वोल्टेज डिवाइड करने वाले सर्किट्स। ठीक हो गया। अब कहानी क्या हुई, वही बात हो गई, मेरे पास गैल्वेनोमीटर आया, सबने मेरे पास क्या आया, एक रेजिस्टेंस आ गया RX, यहां पे क्या आ गया, RG। अब टोटल वोल्टेज है वो कुछ यहां पे आएगा, कुछ यहां पे आएगा, ऐसे ये तकसीम हो जाएगा, वही जैसे हमने एमीटर डिस्कस किया था। अगर मैं इसको भी 5 ओम लेता हूं, इसको भी 5 ओम लेता हूं, तो जो आने वाला वोल्टेज होगा, हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल्स IR होता है। I को हटा दो क्योंकि I कैसा है, कांस्टेंट है, सीरीज सर्किट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। R ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा आएगा, ज्यादा। अब प्रॉब्लम यह कि यहां पे जो मैंने बैटरी कनेक्ट करी हुई है जिसका पोटेंशियल मेजर करना है, इस पोटेंशियल को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है यहां पर और यहां पर, वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो जितना वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज यहां भी ड्रॉप होगा। आप क्या ये चाहते हो, नहीं चाहते। आप चाहते हो यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो, 1 वोल्ट, और टोटल कितना है बैटरी का, 10 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा तो इसका मतलब आप यहां पे कितना करना चाह रहे हो, 9 वोल्ट। सारा कुछ सेम चल रहा है जो हमने एमीटर में पढ़ा था। 10 वोल्ट है बैटरी का, जो आपने वोल्टेज नापना है वो कितना है, 10 वोल्ट। यहां पे कितना लेकर आना चाह रहे हो, 1 वोल्ट, तो यहां पे कितना आएगा फिर, 9 वोल्ट। इसके लिए जब आप चाहते हो कि भाई गैल्वेनोमीटर पे जो वोल्टेज आ रहा है उसके मुकाबले में 9 टाइम्स ज्यादा यहां पर है, तो रेजिस्टेंस भी भाई उसी के हिसाब से चेंज करो फिर, 5 और 5 तो नहीं होगा।
अब गैल्वेनोमीटर तो चलो मान लिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपने रखा 5 ओम, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता। मल्टीप्लायर को मैंने कर दिया लेट्स से 45 ओम्स, कितना कर दिया 45। अब देखो क्या हुआ, अब वोल्टेज आया ड्रॉप होने के लिए, वोल्टेज हो रहा है ड्रॉप होने के लिए आ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है, अभी समझाता हूँ डिटेल से। वोल्टेज ड्रॉप होने आया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, मल्टीप्लायर कितना है 45 ओम, दोनों जगह सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है, ज्यादा कहां पर है मल्टीप्लायर में ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो मल्टीप्लायर में कैसा होगा, ज्यादा आएगा, और इसमें कैसा होगा, कम होगा। ये जो हम कहते हैं ना बार बार वोल्टेज ड्रॉप, अब जरा इसका मतलब भी समझ लो, वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। हमारे पास अगर ये बैटरी कनेक्ट है 10 वोल्ट की, इसका मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल +10 पर होगा और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा, 0 वोल्ट पर। पॉजिटिव कहाँ होगा, +10 पे, नेगेटिव कहाँ होगा, 0 पर। अब एक चार्ज निकलता है बैटरी के पॉजिटिव से बड़े मजे से, उसके पास कितनी एनर्जी है 10 वोल्ट, चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है, पहला रेजिस्टेंस मिला जिसका नाम है RG, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद चार्ज यहां से रिटर्न कर रहा है। गौर से देखो सिर्फ दो चीजें, पहली चीज चार्ज जब निकला था तो कितनी एनर्जी थी +10, कैसे पता चला, पॉजिटिव से निकल रहा है, कन्वेंशनल करंट माना है, कहां से निकल रहा है पॉजिटिव से, वापस कहां पे आ रहा है नेगेटिव पे, नेगेटिव का पोटेंशियल कितना है 0। इसका मतलब जब चार्ज घर से निकला था तो एनर्जी थी 10 वोल्ट की, वापस आ रहा है एनर्जी कितनी है 0 वोल्ट, इसका मतलब 10 वोल्ट कहीं पे ड्रॉप कर कर आया है। अब ड्रॉप कहां करा होगा, आगे रेजिस्टेंस में। मिसाल के तौर पे एक बच्चा भागता हुआ जा रहा है, इसके पास 10 जूल एनर्जी है, रास्ते में एक हर्डल आता है, 1 फिट का हर्डल है, बच्चे ने छलांग मार के वो 1 फिट का हर्डल क्रॉस कर लिया। मुझे बताओ क्रॉस करने के बाद वो जो बच्चे के पास 10 जूल एनर्जी थी वो 10 जूल रहेगी या कम हो जाएगी, यकीनन कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी उस हर्डल को क्रॉस करने में खर्च हो गई। अच्छा आगे गया, एक और हर्डल आया, पहले 1 फिट का हर्डल था, अब मान लो 3 फिट का हर्डल आया, फिर क्रॉस करी, अब भी एनर्जी खर्च होगी, बिल्कुल होगी। क्या पहले जितनी खर्च हुई थी और अब जितनी हुई है बराबर है, अलग अलग है, अलग अलग है। ज्यादा कहां पर हुई होगी, बाद वाले में, कम कहां पर हुई है, पहले वाले में, क्योंकि बाद वाले का रेजिस्टेंस कैसा है ज्यादा, कम वाले का रेजिस्टेंस कैसा है कम। तो दो बातें पता चली, एक जब भी कोई बॉडी मूव करती है रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, एनर्जी उतनी खर्च करोगे, दूसरा पॉइंट क्या है, एनर्जी उतनी खर्च करोगे जितना बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर आपको लाइन से 3 रेजिस्टेंस मिले, तीनों का वैल्यू एक जैसा है, तो तीनों पे एनर्जी एक जैसी जाएगी। आपको 3 रेजिस्टेंस मिले, पहले का वैल्यू कम, अगले का ज्यादा, तीसरे का और ज्यादा, तो एनर्जी अलग अलग जाएगी, पहले पे कम, दूसरे पे ज्यादा, तीसरे पे और ज्यादा। तो ये बता रहा है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा आएगा, ज्यादा। चार्ज निकला था 10 वोल्ट लेकर, पहले रेजिस्टेंस कितना मिला 5 ओम का, बाद में कितना मिला 45 ओम का, तो पहले कम मिला तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा आ रहा है कम, बाद में ज्यादा मिला तो वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा आ रहा है ज्यादा आ रहा है। अब आपने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म कर लिया, आपने कहा भाई टोटल वोल्टेज कितना नापना था 10 वोल्ट, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना चाहिए था 1 वोल्ट, और गैल्वेनोमीटर 1 वोल्ट ही बर्दाश्त कर सकता है, वो जैसे पीछे बात करी थी, और मल्टीप्लायर के अक्रॉस कितना मिल गया 9 वोल्ट। ये उस वक्त हुआ जब RG कितना है 5 ओम्स और RX कितना है 45 ओम्स, सेट हो गया। अब कहानी क्या है भाई, कहानी कुछ ये है कि मेरे पास मिसाल के तौर पे मुझे नजर आ रहा है जो 10 को तकसीम कर रहा है, ये कर रहा है 1:9 में, 10 में से एक हिस्सा यहां पर आया और 9 हिस्से यहां पर आ गए। अब मैं लेकर आता हूं 100 वोल्ट, पहले 10 वोल्ट नाप रहा था, अब इत्तेफाक से अचानक से मैंने रेंज बढ़ा दी, अब कितना नाप रहा हूं 100 वोल्ट। मैं 100 वोल्ट मेजर करना शुरू करता हूँ, वही तकसीम करेगा 1:9 में, 1:9 का मतलब यहाँ कितना आएगा 10 वोल्ट, यहाँ कितना आएगा 90 वोल्ट। अब बताओ मेरा मसला हल हुआ नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ हल, क्यों, गैल्वेनोमीटर कितना सस्टेन कर सकता है 1 वोल्ट, लेकिन जो मेरे पास रेजिस्टेंसेज हैं वो तकसीम कर रही है 1:9 में, तो 100 का एक हिस्सा यहां आया, 100 के 9 हिस्से यहां आए, 10 वोल्ट यहां पर आया। इन्होंने अपने हिसाब से काम सही करा है, लेकिन मसला मेरा खराब हो गया। मसला ऐसे खराब हुआ क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर के एग्रॉस जो ड्रॉप कराना था वो तो 1 वोल्ट से ज्यादा की ज्यादा थी नहीं थी, क्योंकि 1 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज है, इससे ज्यादा का ड्रॉप करने का मुतहम्मिल मैं हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तकसीम तो हो रहा है लेकिन तकसीम मेरी मतलब का नहीं हो रहा। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो आप चेंज कर नहीं सकते, आप चाह क्या रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि भाई यहां 10 वोल्ट ड्रॉप ना हो, यहां कितना ड्रॉप हो 1 वोल्ट, जो कि आपके मतलब है, और यहां कितना है बाकी का बचा हुआ 99।
अब जरा गौर से सिचुएशन को ठंडे दिमाग से एनालाइज करो। आपके पास जो ये 5 और 45 है, ये तोड़े 1:9 में, 1:9, 5 9 45, 1:9 में तोड़े, लेकिन आपने तोड़ना है 1:99 में। क्यों? क्योंकि अभी जो आपका टूट रहा है वो 10:90 में टूट रहा है, वही 1:9 में टूट रहा है। यानी कि पहले 10 वोल्ट था, 1 वोल्ट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आया, 9 वोल्ट मल्टीप्लायर के अक्रॉस, तो आपकी टेंशन ही नहीं थी, मसला आराम से हल हुआ था, क्योंकि आप तो चाह ही रहे थे कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 1 वोल्ट आए, बाकी का बचा हुआ कहाँ चला जाए, आगे चला जाए। अब मसला ये, जब आपने रेंज बढ़ा दी, आपने 100 वोल्ट कर दी, 100 वोल्ट करने का मतलब है दोबारा वो 1:9 में तोड़ रहा है। 1:9 फ्रैक्शन देख रहे हो, 1:9, 1 के मुकाबले में 9 हिस्से, तो यहाँ पे 10 वोल्ट आया, यहाँ पे कितने आ गए, 90 वोल्ट। तकसीम इसने अपने लिहाज से सही करी है, लेकिन मसला हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि 10 वोल्ट आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस नहीं ड्रॉप कर सकते। आपने इसके अक्रॉस कितना करना है, 1, इसके अक्रॉस कितना करना है, 99। यानी कि आप चाह रहे हो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम हो, और मल्टीप्लायर के अक्रॉस कैसा हो, ज्यादा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर दो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये हम कर नहीं सकते, इफेक्टिव नहीं है। थ्योरेटिकली तो नजर आ रहा है कि अगर इसका रेजिस्टेंस 5 ओम से कम करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन कर रहे हो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर ने बना के दिया होता है, आप उसका रेजिस्टेंस या नंबर ऑफ टर्न्स या मैग्नेटिक फील्ड खुद से चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करा जाए, दूसरे पे आओ, आप चाह रहे हो पहले यहां से कितना पास हो रहा है, 90, अब आप कितना चाह रहे हो, 99, तो वोल्टेज ज्यादा पास करना चाह रहे हो, कम पास करना चाह रहे हो, ज्यादा पास करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो मल्टीप्लायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप चाह रहे हो मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मल्टीप्लायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो आपने उसको 45 से कर दिया 450, मिसाल के तौर पर। अगर आपने ये करा, आपने क्या करा, 5 ओम रखा गैल्वेनोमीटर और मल्टीप्लायर को कितना रखा, 450, तो हुआ क्या आपके पास, हुआ ये कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इसकी रेजिस्टेंस क्या कर दी, बढ़ा दी, और आपका मसला हल हो गया। अब ये 1:99 में टूट रहा है। यानी कि आपने क्या देखा, आपने दो चीजें देखी। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है सीरीज में, पैरेलल में नहीं। पैरेलल में वोल्टेज तकसीम नहीं होता, वोल्टेज कहां तकसीम होता है, सीरीज में। और हमारा मेन टारगेट था वोल्टेज को तकसीम करना, तो आपने कनेक्ट कर दिया, उसका नाम आपने क्या रखा, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इसको हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वोल्टेज आ रहा है ड्रॉप होने के लिए। वोल्टेज का मतलब होता है एनर्जी ड्रॉप बाय द चार्ज। जब वो राउंड ट्रिप करता है तो जो एनर्जी ड्रॉप करता है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। अगर आपने दोनों का वोल्टेज एक जैसा रखा होगा तो दोनों पे एनर्जी, सॉरी, दोनों का रेजिस्टेंस एक जैसा रखा होगा तो दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप भी कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर आपने क्या करा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम रखा या गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रखा, इसका तो जो था वो था, इसके मुकाबले में इसको बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने इसकी मिसाल ली, यहां 5 ओम रखा, यहां 45, तो गैल्वेनोमीटर के मुकाबले में मल्टीप्लायर 9 टाइम्स ज्यादा है, तो वोल्टेज ड्रॉप में भी यही सीन आया। वोल्टेज ड्रॉप मैंने बताया क्या होता है, चार्ज मूव करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करने के लिए क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या आएगा, कम आएगा। तो हमने देखा कि आपने काम कर लिया। फिर हमने देखा कि अगर 1:9 को आप क्या करना चाह रहे हो, अपनी रेंज बढ़ा रहे हो, 10 के मुकाबले में कहां आ रहे हो, 100 पर। तो हमने कहा कि भाई आप अगर पुराने वाले पे ही जाते हो तो ये 1:9 पे ही जाएगा, जो कि आपका मसला हल नहीं कर रहा। तो आपने क्या करा, मल्टीप्लायर की वैल्यू को मजीद क्या करा, इंक्रीज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका मसला हल हो गया। तो हमने देखा अगर आपने रेंज बढ़ानी है, अगर आपने रेंज बढ़ानी है तो RX की वैल्यू को मजीद क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज करनी है रेंज वोल्ट मीटर की तो मल्टीप्लायर की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपने रेंज इंक्रीज करनी है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। रेंज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी, तो मल्टीप्लायर भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन क्या रियल में आप कभी किसी चीज का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या रेंज इनफाइनाइट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या चीज है, ये आइडियल।
अब अगर पूछा जाए आइडियल वोल्ट मीटर का रेंज कितना होता है, इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, एक बार फिर से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, हमारे पास जो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर एक्स इक्वल्स वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, ये होता है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। इसमें वी क्या है, वोल्टेज जो आपने मेजर करना है, आई जी क्या है, करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, आर जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर एक्स है क्या, आर एक्स हमारे पास है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, और इसको हम कहते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, या अक्सर किताब में लिखा मिलता है हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने जो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करा था वो कैसे कन्वर्ट करा था, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया था, एक रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर जी, इसको क्या कहते हैं, आर एक्स, दोनों कैसे लगे हुए, सीरीज में। तो अगर मुझे सीरीज के अंदर वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि वोल्ट मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, पूरी चीज बेसिकली मेरे पास क्या है, वोल्ट मीटर है। अगर मुझे वोल्ट मीटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो ये सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन प्लस आर टू, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। बात समझ में आई? यानी कि आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस, दोनों को आप क्या करोगे, जमा करोगे, तो आपको नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा किसका, वोल्ट मीटर का। ठीक हो गया। अब वही चीज, जब आपने गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करना था तो आपने कैसे कनेक्ट करा था, सीरीज में। मैं इसका आंसर पीछे कर चुका हूं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करा था, क्योंकि अगर बेसिकली हमारा मकसद क्या था, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, आप चाह रहे थे कि आपका वोल्टेज तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए ना, कुछ गैल्वेनोमीटर के पास है और कुछ कहां पर है, मल्टीप्लायर के अक्रॉस आए। अगर आप चाहते हो कि आपके पास गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कुछ आए और कुछ कहीं और पर आए, तो इसका मतलब आप वोल्टेज तकसीम करना चाह रहे हो, और तकसीम करने के लिए सीरीज सर्किट बनेगा। अगर आपके पास सीरीज सर्किट है तो अल्टीमेटली वोल्टेज डिवाइड होगा और करंट सेम रहेगा, लेकिन अगर आपके पास पैरेलल होगा तो उसमें वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। हम तो चाह रहे हैं वोल्टेज क्या हो जाए, तकसीम हो जाए, इसलिए हमारा सीरीज सर्किट है। अब अगला सवाल कि भाई ये जो वोल्ट मीटर बना है, ये वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में या पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को हम सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। इसका सिंपल सा रीजन है, सपोज करो मैंने यहां पे क्या करा, एक सर्किट बनाया आर वन आर टू और ये आ गया। अब मैंने एक बार वोल्ट मीटर कनेक्ट करा यहां पर, इसको मैंने नाम दे दिया पोजिशन वन का। एक बार वोल्ट मीटर कनेक्ट करा यहां पे बैटरी के, इसको नाम दिया पोजीशन टू का। अब भाड़ में डालो पहले तो वोल्ट मीटर को, मुझे ये बताओ कि ये जो मेरे पास सर्किट है, ये मेरा सीरीज सर्किट है पैरेलल सर्किट है, तो भाई आंसर मिलेगा सीरीज सर्किट है, क्योंकि एक बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस कैसे लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, तो सर्किट कैसा हुआ मेरा, सीरीज सर्किट है। तो अगर ये सीरीज सर्किट है, इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज होगा उसका कुछ हिस्सा आर वन पे आएगा, कुछ हिस्सा आर टू पे आएगा, जो मैंने अभी पीछे बताया था, कुछ हिस्सा यहां पर आएगा, कुछ यहां पर आएगा, क्योंकि हम सीरीज सर्किट को कहते हैं ना वीडीआर सर्किट्स, तो कुछ यहां पर आया और कुछ कहां पे चला गया, आगे चला गया। तो हमने ये बात करी कि जो हमारे पास सर्किट है ये सीरीज है या पैरेलल है, तो सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट क्या होता है, वीडीआर सर्किट होता है, जिसमें वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, तो कुछ वोल्टेज यहां आएगा, कुछ वोल्टेज यहां पर आएगा। अब गौर से देखो, अगर मैं वोल्ट मीटर नंबर वन की बात करूं तो ये मुझे सिर्फ वही वोल्टेज देगा जो कि आर वन के अक्रॉस मिलेगा, यानी कि V1 देगा मुझे सिर्फ, V2 कितना दे रहा है उसके लिए ये ब्लाइंड है, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ वो वोल्टेज बताएगा जो किसके अक्रॉस आ रहा है, R1। जबकि अगर मैं V2 की बात करूं, V2 मुझे वो पूरा वोल्टेज देगा जो बैटरी का है, क्योंकि मैंने इसको बैटरी के साथ ही कैसे लगा दिया, पैरेलल में, और बैटरी से ही सारा वोल्टेज तकसीम हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बैटरी के अक्रॉस लगाता हूं तो मुझे यकीनन सारा का सारा वोल्टेज मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऊपर R1 या R2 के अक्रॉस लगाता हूं तो मुझे सारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द EMF सोर्स इन द सर्किट। आपने EMF सोर्स के साथ कैसे लगाना होता है, पैरेलल में। अगर पैरेलल में लगाओगे तो सारा का सारा वोल्टेज मिलेगा, सीरीज में लगा दोगे, जैसे यहां लगा दिया इसके साथ पैरेलल, मतलब सीरीज का मतलब यह है कि आपने किसी सीरीज एलिमेंट के साथ पैरेलल में लगाया, ये सीरीज एलिमेंट्स है ना, इनके साथ लगाओगे तो सिर्फ इनका वोल्टेज मिलेगा, टोटल नहीं मिलेगा। तो हमने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दो, तो सीरीज रेजिस्टेंस लगा दो ताकि वोल्टेज डिवाइड हो, फिर उस सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है
रेजिस्टेंस का वो ज्यादा रखोगे एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ताकि आपके पास ज्यादा ड्रॉप मल्टीप्लायर के अक्रॉस आए। फिर आपने देखा मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर आपने देखा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, फिर आपने देखा वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं। अब इसका हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो देखो जरा न्यूमेरिकल। अच्छा बेटे, अगर ये वाली वीडियो पूरी समझ नहीं है तो प्रॉपरली एम मीटर की वीडियो को लाजमी विजिट करना। कहता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम्स का। आगे कहता है एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 0.001 एम्पियर्स। इतने करंट पे क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। फाइन, मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट वन आप लोग सॉल्व करोगे एम मीटर वाले तरीके से जो हम पीछे हल कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स। आर एक्स क्या होता है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। आर एक्स से क्या मुराद है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो क्या बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट इनटू अ 10 वोल्ट्स वोल्ट मीटर। अबे भाई 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर है। अभी हमने पढ़ा था हमारा आर एक्स का जो फॉर्मूला होता है, आर एक्स बराबर है वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो आर एक्स विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी, ठीक है। यह आया वी, वी कितना है 10, आई जी कितना है 0.001, माइनस आर जी कितना है 20। अब गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका डेसिमल आगे शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब आगे का मतलब सीधे हाथ पे लेके जा रहा हूं। और कितना चेक करो जरा, 1 2 3 4, कितने प्लेस आगे ले गया, 4 प्लेसेस में डेसिमल को कहां ले गया, आगे ले गया। क्यों आगे ले गया, अभी समझ में आएगा सॉल्व करने के लिए। 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये जगह खाली आ रही है, क्या आ जाएगा 10, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 20। ये मैंने क्या हरकत करी है, डेसिमल मेरा राइट पे जा रहा है लेफ्ट पे जा रहा है, 1 2 3 4, डेसिमल कहां जा रहा है राइट पे जा रहा है। जब भी राइट पे जाएगा पावर कैसी आती है, माइनस में, और जितनी प्लेसेस जाएगा उतनी आती है, 1 2 3 4 प्लेस गया तो पावर कितनी आ गई -4, 10 से 10 क्या हो गया, इसलिए किया था। यहां पावर माइनस में, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी, प्लस में, माइनस का 20। क्या बना ये 10 पावर 4 का मतलब, 4 जीरोस पूरे कर लो भाई, 4 जीरोस पूरे हो गए, माइनस का 20। तो यहां पे रखो जरा और इसमें से 20 को माइनस कर दो, ये आया 0 10 9, 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 2 इज 8 9 9। तो क्या आंसर आया, 9980 ओम्स। इसका मतलब इतनी वैल्यू अगर आपके मल्टीप्लायर की होगी तो अल्टीमेटली आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना कितना रेजिस्टेंस है 20 ओम का, वो एक ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मेजर करेगा, 10 वोल्ट। और अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, अगर वो समझ में आ गया, इसे देखो, अगर आप इसको इस तरह से कनेक्ट करोगे आर एक्स, मतलब इतनी वैल्यू का अगर आप आर एक्स कनेक्ट करोगे जो भी हमने पढ़ा है, तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज जो आपका ड्रॉप हो रहा होगा वो तो कितना हो रहा होगा 10 वोल्ट, लेकिन गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो आएगा वो कितना आएगा, वीजी आएगा, बाकी का सारा कहाँ आएगा, आरएक्स के अक्रॉस आएगा। बस समझ में आती है, ठीक है बेटे, ये हमारा वोल्टमीटर था सारा।